गुड़मलानी क्षेत्र के फरेड़ी में श्री राजेश्वर भगवान के नवनिर्मित मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शिकारपुरा महंत दयाराम महाराज व फरेड़ी महंत नगाराम महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ विधिवत राजेश्वर भगवान की मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में आए साधु संतों का मंदिर कमेटी के द्वारा भेंट पूजा व अतिथियों का दुपट्टा पहना व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। शिकारपुरा गादीपति दयाराम महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मालाणी क्षेत्र में इतने बड़े आयोजन के लिए सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के आयोजनों से समाज में एकता, अखंडता व सेवा भावना का संचार होता है। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री हेमाराम चौधरी ने मंदिर में कार्यों के लिए विधायक कोटे से 16 लाख रुपये देने की घोषणा की। वहीं अनिल चौधरी परिवार ने मंदिर शिखर कलश व प्रेमाणी गोली परिवार द्वारा ध्वजा पताका फहराई गई। वहीं छोगाराम अणदाजी गोली परिवार की ओर से मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। राजेश्वर भगवान की जय। भोले शिकारपुरा धाम की जय। राजेश्वर भगवान के आदेश से आपके ये जैसा मैंने पहले ही कहा, ये 16 गांव का खास करके इस मंदिर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि इसकी प्रतिष्ठा में, तो 16 गांव में 16 गांव के हिसाब से 16 लाख रुपये आपको इन लोगों के लिए। कार्यक्रम में महंत रामगिरी महाराज, भाजपा प्रदेश मंत्री के विश्नोई, पायला प्रधान चुन्नीलाल माचरा, राणा कुलदीप सिंह, सांवलाराम पटेल, जिला परिषद सदस्य देवाराम चौधरी, पताराम चौधरी, पुरुषोत्तम जैन, मोतीराम चौधरी, अमराराम चौधरी, गैनाराम चौधरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश पटेल, समाजसेवी टीकमाराम पटेल सहित हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सुरक्षा के मद्देनजर RJT, धोरीमन्ना, सिंदरी व बालोतरा थाना की पुलिस तैनात रही।